नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। देशव्यापी महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाव एवं रोकथाम को लेकर आज मोतिहारी के हरेराज मुरली मनोहर माधव मंदिर देवपुरी के प्रांगण में आध्यात्मिक गुरु पंडित कमलापति त्रिपाठी प्रमोद जी के नेतृत्व में अभिषेक पूजन का आयोजन शुरू हुआ, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों भक्तगण सहित कई लोगों ने भगवान भोले व माता पार्वती से इस आपदा की घड़ी में विश्व कल्याण के लिए अनुष्ठान किया गया। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य देश और समाज में फैली महामारी व अशांति व्यवस्था को शांति प्रदान करना व जीवन रक्षा है, जिससे मानव अपने जीवन में खुशी और प्रेम के माहौल में जी सके। वही इस संबंध में आयोजक आध्यात्मिक गुरुवार पंडित कमलापति त्रिपाठी ने इस अनुष्ठान के कारणों व धार्मिक उपाय के साथ योग करने की सलाह भी लोगों को दी। वैदिक मंत्रोच्चार व भक्ति भाव से भगवान की आराधना करते लोगों को देख आप अगर ये समझ रहे होंगे कि ये लोग किसी मन्नत के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि ये अनुष्ठान कोई अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, बल्कि विश्व सहित भारत में बड़े कोरोना वायरस से निजात व विश्व शांति के लिए है, न कि कोई अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। सभी के सभी महिला पुरुष भगवान भोले की धरती अरेराज धाम में विश्व कल्याणार्थ व महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के प्रकोप से पूरे विश्व की बचाने की गुहार लगा रहे हैं। लोगों के पूजा का एक ही उद्देश्य है कि इस महामारी से भारत सहित पूरे विश्व को निजात मिले व लोगों के जीवन की रक्षा भगवान भोले भंडारी करे। डॉट आज संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस से जिस प्रकार से ग्रसित है, चंपारण अंतर्गत बाबा सुरेश्वरनाथ की पुण्य धरा पर अवस्थित मुरली मनोहर माधव मंदिर में आज बिहार ही नहीं देश में कोरोना वायरस से लोग मृत्यु को और रोग को प्राप्त न कर सके, इस भाव से हमने विश्वेश्वर महादेव मंदिर में आज कूस से महादेव का रुद्राभिषेक नियोजित किया है, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित की है। आज हमें आवश्यकता है देश में इस वायरस से अपने आप को और अपने प्रियजनों को संरक्षित करने का। हम चाहते हैं कि भगवान महादेव के अनुकंपा से समस्त देश में इस रोग का प्रकोप शांत हो और सब लोग आरोग्यता को प्रदान हो, दीर्घायित जीवन प्राप्त करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से कामना करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति योगाभ्यास करे, 21 बार प्रतिदिन खाली पेट रह करके ओम का उच्चारण करे और नित्य प्राणायाम के साथ भगवान का ओम जुंक्षह मंत्र का जाप करें। सफेद कपड़े में आप 11 गोल मिर्च, 11 लवंग और 1.5 कपूर आप बुक कर करके उसे बांध ले और अपने पॉकेट में रखें और नित्य 2 गोल मिर्च और 2 लवंग का आप सेवन करें। कोरोना वायरस जो है आपके जीवन में आपको संक्रमित नहीं करेगा, देश संरक्षित होगा, देश दीर्घायित्व को प्राप्त करेगा, सबका कल्याण हो, इस कामना के साथ हम भगवान महादेव उमेश्वर महादेव से कामना करते हैं कि समस्त विश्व के साथ, हिंदुस्तान के साथ, बिहार प्रांत के समस्त भक्तों का कल्याण हो। इसी शुभेच्छा के लिए, इसी कामना के लिए हमने यह कार्यक्रम आयोजित किया है।